किसे शिकवा करे, क्या करे हम गिला। पल में मंजर बदल जाते हैं इस तरह। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। नवर, मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, मगर तुम्हारा केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, क्योंकि तमाम सबूत तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं। जितना पैसा लगता लगा, लेकिन कल तक मुझे इन सलाखों से बाहर आना है। पापा चली गई है, नहीं कभी नहीं आएंगी वापस। ईमान, मेरी जान, प्लीज, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्यों चली? शाबाश ईमान, तुमने जिंदगी में पहली बार अकलमंदी का मुजाहिरा किया है, वरना सारी जिंदगी पछताते। इसका हरगिज मतलब ये मत समझना कि तुम बच गए हो दिलावर। याद रख, अपने मामा का बदला मैं एक ना एक दिन तुमसे लेकर रहूंगी। वाकई? लो, मैं डर गया ईमान। ना तो तुम्हें अपने नन्हे दिमाग पर जोर डालने की जरूरत है और ना अपने नाजुक कंधों पर बोझ डालने की। आराम से रहो, अपनी जिंदगी एंजॉय करो। बकवास बंद करो अपनी। मरोगे तुम, बहुत बुरी मौत मरोगे एक दिन, और मैं देखूंगी। अच्छा, वाकई मान, अब तो मैं डर गया। चल अब गुस्सा थोक और वापस घर आ जा। उस मनूस घर में मैं मर के भी कदम ना रखूं। बकवास नहीं करो और घर वापस आओ। ईमान, देखता हूं मैं तुम्हें कि तुम कब तक मुझसे भागती हो। ईमान प्लीज बस करो यार, क्या हो गया, कितना रोगी, और प्लीज बस चुप हो जाओ। किस्मत को रो रही हो एनी, मम्मा ही तो थी मेरा आखिरी सहारा, वो भी चली गई मुझे छोड़ के। कुछ नहीं, मेरे सगे बाबा, इतने अरसे बाद उनसे मुलाकात हुई, इतनी बेरुखी, और यहाँ पर भाई से मम्मा की मामा की डेथ तक का नहीं पूछा उन्होंने, अफसोस भी नहीं किया। उन्हें कैसे पता चला कि तुम थाने में थी? पुलिस ने कॉल की थी उन्हें, वो पुलिस स्टेशन आए, इसने कार्रवाई पूरी करी, और उन्होंने तुमसे पूछा नहीं कि तुम कैसी हो और अब क्या करोगी आगे? बस छोड़ो, यू और हम मिलके हर चीज का हल निकालेंगे। बस मम्मा, शिकवा करे, क्या करे हम गिला। पल में मंजर बदल जाते हैं इस तरह। क्या हुआ पल में, कैसी चली है हवा, तो खफा हो गई जिंदगी की इस तरह। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी ये तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी आपके खून का बदला नहीं ले सकी।
लेकिन मामा मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इतना ही दिन बदला लेके आऊंगी आपके खून का। शायद हमारे माशरे जिसके पास पैसा और ताकत नहीं उसे इंसाफ नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं बदला लेके आऊंगी वहां तक। हाँ, अपना सामान लेने आई थी। मैं मसरूफ हूँ इस वक्त, रात को आना या कल आना? रात को तो क्या, मैं कभी दिन में भी इस दोजक का रुख ना करूं। आप अपना काम करें और मुझे मेरा काम चुपचाप करने दें, समझी? हमारे माशरे में अकेली औरत का इज्जत से जीना बहुत मुश्किल होता है माँ। मैंने तो अपना और तुम्हारा बेहतर मुस्तकबिल सोचा था, मुझे क्या पता था कि ये गई नहीं शादी पे माजी? अरे क्या जाती, वो आई है सामान लेने के लिए। माजी आप जाएं, मैं ईमान से बात करता हूं, उसे समझाता हूं कि ये पागलपन मत करे। ये उसका घर है, इसको छोड़ के कहां जाएगी वो? अरे जा रही है तो क्यों रोक रहा है, जाने दे उसे। कोई बात नहीं, मुझे एक बार बात तो कर लेनी है,
आप जाएं शादी पे। अच्छा मैं जाऊं? सही। ये शायद मेरा ही घर है। मुझे पूरा यकीन था कि तुम आओगी मुझसे। बकवास बंद करो अपनी, मुझे कमजोर नहीं समझता। मैं छोड़ मत आदमी बता रही हूँ। बैठो। क्या करोगी तुम? कुछ भी नहीं कर सकती तुम। अरे आ, 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 छोड़ो, छोड़ो।
मान क्यों फोन कर रही थी मुझे? खोला रही है, भागती हुई अंदर आ गई। मैंने बहुत रोका लेकिन उन्होंने सुना नहीं। तुमसे तो मैं बाद में बात कर रहा हूँ, जाओ बाहर। क्या लेने आई हो? हाँ बाबा, मेरी मदद कर दे प्लीज। क्यों, अब क्या हुआ तुम्हें? तुम तो मुझसे कोई ताल्लुक रखना ही नहीं चाहती। आपकी बेटी हूँ बाबा। बेटी? तुम्हें तब तो कोई ख्याल नहीं आया जब तुम मुझे अकेला छोड़कर अपनी माँ के साथ चली गई थी, और तुम्हें तब भी ख्याल नहीं आया जब बाबा मुझे सिर्फ आज रात याद हो गया। मैं वादा करती हूँ मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊँ। अम्मी, आप सारी जिंदगी इसकी और इसकी माँ की वजह से डिप्रेशन में रहे। आपकी सारी बीमारियों की जड़ ये और इसकी माँ है। निकाले से यहाँ से। चुप करें, बाबा इस दुनिया में नहीं है। ऐसे नहीं बोले उनके बारे में प्लीज। अब आपका इससे क्या रिश्ता है? निकाल दो उसको यहाँ से। तुम जाओ यहाँ से अभी और इसी वक्त। बाबा, बाबा। किसे शिकवा करे, क्या करे साहब जी कह रहे हैं आप अंदर आ जाइए। हाँ जी, वो कह रहे हैं आप अंदर आ जाए। See you soon.